सिंगरौली जिले के श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सत्संग नगर दुधमनिया में 26 अप्रैल को मंदिर के संस्थापक गुंजारी लाल तिवारी द्वारा सामूहिक उपनयन संस्कार का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए गुंजारी लाल तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं जो उपनयन संस्कार में राशि खर्च करने के बाद बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। उनका मानना है कि जो उपनयन संस्कार में खर्च आता है, अगर उसकी बचत हो जाए तो उन पैसों से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यही है कि छोटे और बड़े सभी लोगों का मिला करके एवरेज जो मैं रेट निकाला कि लगभग 2 लाख रुपए खर्च आते हैं, किसी का 20,000, किसी का 5 लाख रुपए। तो अगर हम ये देखते हैं 2 लाख रुपए एवरेज खर्चा आ रहा है, अगर 50 बच्चों का भी उपनयन संस्कार हुआ तो कम से कम 1 करोड़ रुपए हमारे समाज की बचत होगी और विधि विधान के साथ होगा, अच्छे विद्वानों के द्वारा होगा। तो यह 1 करोड़ रुपए समाज के बच्चों का कहीं ना कहीं जो है उनका पढ़ाई या अन्य विकास भी हम करा सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।